सो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले। तो आज मैं करने वाला हूँ डबल एमेट टू बी चैलेंज, इसी कारण से मैं आया हूँ ब्लू जोन पे। बट यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं आया है और इसका कारण है न्यू रैंक सीजन स्टार्ट हुआ है। जब से न्यू रैंक सीजन स्टार्ट हुआ है तो ज्यादातर बंदे कैंप करके खेलते हैं, क्योंकि किसी को ग्रैंड मास्टर जाना है तो किसी को हीरोइक। तो इसी रीजन से यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं आया है, बट कोई ना कोई बंदा जरूर आ जाएगा। तो उसके पहले मुझे जितना जल्दी हो सके डबल एमेट टू बी ढूंढना पड़ेगा। वैसे मैंने अपने फ्रेंड लोगों को बोल के रखा है कि एमेट टू बी मिलेगा तो मार्क कर देना। और यहाँ पे शायद बगल पे एम एट टू भी है, मेरा फ्रेंड मार्क कर दिया, ये रहा। चलो तो एक एम एट टू भी मिल गया, अब बस मुझे एक और एम एट टू भी मिलने की देर है, फिर मचाएंगे तबाही इस गेम में, वो भी डबल एम एट टू भी का। यहाँ पे क्या मार्क है? ओके एम एट टू भी, भाई साहब दो एम एट टू भी मिल ही गया फाइनली। तो अब आएगा मज़ा गेम में। अरे यहाँ पे मेरे टीम मेट को नॉक कर दिया। यहाँ पे बंदा है जो कि बहुत पीरो लग रहा है, क्योंकि एक ही झटके में मेरे टीम मेट को मार दिया ना। तो ये बस दिख तो जाए, फिर उसको दूंगा मैं एम एट टू बी का हेडशॉट। वो बंदा शायद पेड़ का कवर लेके मार रहा है, तो यहाँ से एम नहीं लगेगा लगता है। तो मुझे इस तरफ जाके उसको एम लगा के मारूंगा हेडशॉट। तो आज देखने को मिलेगा ओपी वाला गेम। ये मेरा पहला गेम है जिसमें, मतलब मेरे लाइफ का पहला गेम जिसमें मैं दो एम एट टू बी चलाने वाला हूँ। भाई निकल चल निकल, पहले फुर्सत में निकल। ये बंदा बहुत जोश में आया था, लेकिन इसको पड़ा दो एम एट टू बी का झटका और हो गया डाउन। तो जल्दी से यहाँ पे मेड़े गेट लगा लेता हूँ और फिर उसको पूरा मारने जाऊँगा, क्योंकि अगर उसका टीममेट उसको बचा लिया तो फिर मुझे मेरा किल नहीं मिलेगा। तो मुझे जितना ज़्यादा हो सके एम एट टू बी से किल करना है इस गेम में। कम से कम 10 किल तो करूँगा ही, 10 किल अगर नहीं किया तो मैं गेम खेलना छोड़ दूँगा। मतलब एम एट टू बी से, कहने का मतलब ये है कि एम एट टू बी मतलब कोई भी स्नाइपिंग गन नहीं उठाऊंगा आगे इन फ्यूचर, अगर मैं इस गेम में 10 किल नहीं कर पाऊंगा तो। तो ये भी एक चैलेंज है, तो मुझे 10 किल करना है। वैसे इतना इजी नहीं है, लेकिन इतना हार्ड भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भाई है खिलाड़ा प्रो। अच्छा हमको सिखा दिया है। 12 seconds later. ब्लू जोन पे पूरी तरह से लूट हो चुका है, तो अब चलते हैं बीमा शक्ति, क्योंकि यहाँ पे तो अरे बॉय यहाँ पे बंदा आ चुका है। अबे निकल, अब तू निकल, तू एक बार निकल तो भाई, चेहरा तो दिखा बॉय, निकल ही नहीं रहा है। बंदा समझ गया स्नाइपिंग कर रहा है, सोच के निकल ही नहीं रहा है। अरे निकल भाई निकल, निकल ही नहीं रहा है। लगता है मुझे इसको नल्ली गन से नल्ले को मारना पड़ेगा, इस नल्ले को नल्ली गन से मारना पड़ेगा या फिर एमेट टू बी से। कहाँ पे है ये बंदा? इसको मिलेगा अब सरप्राइज, ये मिल गया इसको सरप्राइज। ये मारा गया, क्यों आता है भाई तू अकेले, क्यों आता है मुझसे लड़ने? तो शायद इसका टीममेट आसपास में हो तो अपने एचपी फुल कर लेता हूँ, क्योंकि कभी भी मेडिकिट में मतलब कंजूसी नहीं करना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, जितना हो सके अपना एचपी फुल रखना चाहिए। तो बीमा शक्ति पे हो सकता है कि इसका टीममेट हो, तो चलो देखते हैं, कोई ना कोई बंदा यहाँ पे मिल ही जाएगा। ये देखो ये भाई साहब तो अभी लैंडिंग कर रहे हैं, बोला था नहीं यहाँ पे कोई ना कोई बंदा मिल जाएगा, और ये रहा। ये बंदर का मामा नॉक, ओ भाई तो इसका किल मिल गया, कोई पड़ा सिट, थोड़ा सा बच गया। जल्दी से यहाँ मेडिकेट लगा लेता हूँ। वैसे मैंने एक बंदे को डैमेज किया था, लेकिन मेरे टीममेट ने नॉक कर दिया, मतलब मेरा एक किल गया। वो बंदा तो भाग रहा है, इस गेम में तो अपना कॉपी चलेगा भाई, क्योंकि अपन चला रहे हैं डबल एमेट टू भी। वो बंदा शायद भाग चुका है, पता नहीं भाग गया। फायरिंग चल रहा है बट बंदे दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये पड़ा, ये हो गया नॉक। बोला ना आज तो एकदम ओपी वाला गेम चलेगा। बीमा शक्ति पे तो अब शायद इनेमी नहीं है, तो अब जाया जाए कहाँ पीक। ओके बंदा बच गया, अगर वो मुझे पे फायर करता तो पूरा हेडशॉट लगता मुझे।
के किल के साथ हो गया अपना 5 किल। क्या है इस बंदे के पास? 2 नल्ली। जिस बंदे के पास बस खाली शायद 2 ही नल्ली था, बाकी कोई अच्छा गन नहीं था। किसी से भी फाइट लेने से पहले अच्छे लूट बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक ही गन पकड़ के सभी बंदों को मारने की कोशिश नाकामी हाथ लगता है। तो यहाँ पे अपना हो चुका है 5 किल और अभी भी बंदे बचे हैं भाई साहब 19 बंदे। वैसे उतना ज़्यादा भी नहीं है क्योंकि 4 बंदे तो हम ही हैं। तो अब चलते हैं पीक की तरफ, क्योंकि पीक पे पक्का मुझे लगता है एक आधी स्क्वाड मिलेगा, 1 से 2 स्क्वाड तो मिल ही जाएगा। और पीक पे जो बंदे मिलेंगे मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे प्लेयर मिलेंगे, क्योंकि पीक पे अच्छे बंदे ही आते हैं। पीछे रिवाइव कर रहा है बीमा शक्ति पे, शायद बंदे रिवाइव कर रहे हैं और एक बंदा वो रहा। ये फेक डैमेज क्यों आ रहा है भाई? वो बंदे को मैं इतना गोली मारा पूरा फेक डैमेज दिखा रहा है। ये बंदा भी अकेले भटक रहा था इस गेम में। लोग अकेले क्यों घूमते हैं जब उनको रैंक पुश करना रहता है, और यहाँ पे कोई बंदा गाड़ी घुमा रहा है। ये कहाँ को तफरी करने जा रहा है? अच्छा रुक गया। ओ भाई साहब, ये बंदा अपने टीममेट को रिवाइव करने आया था और मैंने इसका खोपड़ी ही खोल दिया। 5 minutes later। ये रहा एक बंदा, चुपके से ड्रॉप लूट के भाग रहा है। ये आ गया M82B के लपेटे में। तो ये भी बंदा अपने स्क्वाड का अकेले बचा था। अब बाकी बंदे कहाँ पे हैं? दिखाई तो नहीं दे रहे हैं कोई भी, लेकिन किल आ रहा है। इतना छोटा सा सर्कल हो चुका है और यहाँ पे इतने छोटे से सर्कल में 11 बंदे अलाइव। टावर पे है बंदा। अबे एक बार मुंडी दिखा भाई, और ये हो गया नॉक। मारा गया तो दोनों बंदे का किल आ गया है। इसका मतलब ये दोनों टीममेट थे और ये बंदा अपने बंदे को टावर पे बचाने जा रहा था इतने दूर से। ओके, 3 बंदे बस बचे हैं और है तो है कहाँ पे? अच्छा वो रहा, और ये खत्म। एक बंदा वो रहा। ये पड़ा और ये मारा गया। तो फाइनली 2 M82B गेम बोया हो चुका, वो भी 12 किल के साथ, जो कि बहुत ही ओपी था। तो अगर आप लोगों को गेम प्ले अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में बताना ये गेम प्ले कैसा लगा। और अगर और वीडियो चाहिए, मतलब और गेम प्ले चाहिए M82B के साथ, तो कमेंट में बताना गाइस कि और आप लोगों को ऐसा ही गेम प्ले चाहिए। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।